एवरीवन, आई एम सिमी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं करने वाली हूँ ग्लैम ईद मेकअप लुक। और ये मेकअप लुक के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था, उन्होंने बहुत बार ये रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप ईद मेकअप लुक पे एक वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने इस लुक को किस तरह से क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी। मेकअप से पहले फेस को मॉइस्चर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं मॉइस्चराइजर को अपने फेस पे डॉट डॉट करके लगा लूँगी और फिर अपने फिंगर के हेल्प से उसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, अपने पूरे फेस में इसको एब्जॉर्ब करवा लूँगी। और अब मैं अपने नेक पे भी मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, क्योंकि हमें फेस और नेक दोनों पे मेकअप करना है, तो इसीलिए। और अब मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी, क्योंकि हमें लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए, तो इसलिए प्राइमर का अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं प्राइमर को ऐसे हल्के क्वांटिटी में पहले निकाल लूँगी और फिर उसको अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके लगा लूँगी। खास करके जहाँ जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स हैं वहाँ पे मैं अच्छे से प्राइमर को अप्लाई करूँगी और फिर इसको अपने पूरे फेस में अच्छे से मिला लूँगी, ताकि हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग चले। और अब मैं लिप बाम यूज़ करूँगी अपने लिप्स को मॉइस्चर करने के लिए, ताकि जब तक लिपस्टिक की बारी आए तब तक हमारे जो लिप्स है वो अच्छे से मॉइस्चर हो जाए। तो इसलिए मैं पहले ही लिप बाम अप्लाई कर ले रही हूँ अपने लिप्स पे। और अब मैं वाइटन क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। इसको मैं बस अपने फेस को थोड़ा ज़्यादा अच्छा टेक्सचर लाने के लिए, अपने मेकअप बेस को अच्छा बनाने के लिए मैं क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ और इसको अपने फेस में अच्छे से लगा करके पूरे फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब करवा ली हूँ। इस तरह से देखिए, पूरे फेस में मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है क्रीम को। और अब मैं सेम क्रीम अपने नेक में भी लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा जो फेस और नेक जो है दोनों इक्वल दिखे, तो इसलिए मैं जो जो अपने फेस पे कर रही हूँ वो नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ, ताकि फेस नेक इक्वल लगे। और अब मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो हमेशा फाउंडेशन को लगाने से पहले हमें उसको अच्छे से सेक कर लेना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको सेक कर ले रही हूँ। और अब फाउंडेशन को हल्के क्वांटिटी में मैं निकाल ले रही हूँ, जितना मेरे फेस पे रिक्वायर हो। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है। देखिए मैंने कितना हल्का क्वांटिटी में फाउंडेशन लिया है और उसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, और साथ ही अपने आईलिड्स पे भी फाउंडेशन को अप्लाई करूँगी। और अब एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैब डैब करके अपने पूरे फेस में इसको ब्लेंड करूँगी। हमें फाउंडेशन को ड्रैग नहीं करना है, वरना हमारा जो मेकअप है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसको डैब डैब करते हुए पूरे अच्छे तरह से इसको ब्लेंड करना है। और ब्लेंडिंग जो है वो अगर अच्छा रहे तो फिर हमारा मेकअप का जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, तो इसलिए ब्लेंडिंग प्रोसेस पे हमें अच्छे से ध्यान देना है। और अब हमें नेक पे भी मैं वही सेम फाउंडेशन लगा करके इसको अच्छे से डैब डैब करके मैं ब्लेंड कर लूँगी। और ये देखिए किस तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, तो कंसीलर से हमारा जो डार्क सर्कल्स है वो हाइड हो जाएगा और हमारा जो आईज मेकअप के लिए जो बेस है वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो इसीलिए मैं बहुत ही हल्के क्वांटिटी में कंसीलर का अप्लाई कर रही हूँ, और साथ में जहाँ पे मेरे लिप्स के पास थोड़े बहुत पिगमेंटेशन वगैरह हैं तो उसको भी हाइड करने के लिए और थोड़ा बहुत एरिया को हाईलाइट करने के लिए मैं कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं वही फिर सेम ब्यूटी ब्लेंडर से अपने कंसीलर को अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए, पहले इसको डैब डैब करते हुए अच्छे से इसको ब्लेंड करना है, इसको भी हमें ड्रैग नहीं करना है। और अब मैं लूज़ पाउडर से अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ और साथ में अपने पूरे फुल फेस को भी सेट कर रही हूँ। तो इस तरह से पहले हम एक पफ से पाउडर को अप्लाई कर लेंगे। आप चाहे तो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर यूज़ की हूँ। और फिर इसको अच्छे से हमें अपने फेस पे पहले लगा लेना है और फिर उसी पप से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और जो एक्सेस पाउडर है उसको मैं हटा ले रही हूँ। और इस तरह से देखिए, हमारा फेस पाउडर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम आईब्राउज़ को फिलअप करने के लिए पहले मैं एक छोटे से कोम से अपने आईब्राउ को कोम कर लूँगी, ताकि हमें एक शेप मिल सके। और अब मैं आई शैडो पैलेट में से एक ब्लैक कलर का सेट ले करके अपने आईब्राउज़ को फिलअप करूँगी। तो यहाँ पे मैं बहुत ही हल्के हल्के अपने आईब्राउज़ को फिलअप कर रही हूँ, बस जहाँ जहाँ पे मुझे गैप लग रहा है वहाँ वहाँ पे। तो इस तरह से देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम कर लेंगे डार्क तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो इसीलिए बहुत ही हल्के हल्के से हमें आईब्राउज़ को फिलअप करना है। और ये देखिए, मैं आईब्राउ को फिलअप करके अब इसको ब्रश से मैं इसको सेट कर ले रही हूँ। और अब हम आईज मेकअप के लिए एक ट्रांजिशन कलर ले करके और इसको अपने आईज़ के क्रीज पे और आईज़ के लीड पे इसको अच्छे से हम लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने ब्रश में
कलर लेकर के अपने अच्छे से ब्लेंड करके लगा लिया है। और अब एक सिमर सेट लेकर के मैं अपने आईज लिड पे इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि हमें एक बहुत ही अच्छा बोल्ड आई लुक मिल सके, क्योंकि ईद मेकअप लुक थोड़ा बोल्ड रहे तो अच्छा लगता है। तो इसलिए देखिए मेरा आईज मेकअप कंप्लीट हो चुका है। और अब वही ब्लैक कलर लेकर के मैं अपने वाटर लाइन के नीचे इसको हल्का हल्का सा लगा ले रही हूँ ताकि आईज़ का एक जो स्मोकी इफ़ेक्ट मिल सके हमें और हमारा जो आईज़ है वो बहुत ही खूबसूरत हो। और अब मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी, तो यहाँ पर मैं विंग्ड आईलाइनर बनाऊँगी और अपना आईलाइनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं थिक लगाऊँगी ताकि हमारा जो आईज़ है वो उसको जो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लुक मिल सके। तो इसलिए देखिए मैंने मोटा सा लाइन ड्रॉ किया है और एक अच्छा खासा मैंने विंग निकाला है ताकि हमारा जो आईज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगे दिखने में। तो इस तरह से देखिए मैं आईलाइनर को अप्लाई कर ले रही हूँ और विंग जो है हमें थोड़ा ज़्यादा ही निकालना है। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने दोनों आईज़ में आईलाइनर को अप्लाई कर लिया है। और अब मैं काजल अप्लाई करूँगी ताकि हमारा जो आईज़ मेकअप है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग सके। तो इस तरह से देखिए मैं अपने वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर रही हूँ और ब्लैक काजल का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, हमारी जो आँखों की खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखिए मैंने काजल अप्लाई कर लिया है और अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। तो मस्कारा को हमें अच्छे से अपने आईलाइसेस में लगाना है ताकि हमारा जो आईलाइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस लगे दिखने में। तो इस तरह से देखिए मैं अपने लोअर आईलाइसेस पे भी मस्कारा को लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें लोअर और अपर दोनों आईलाइसेस में मस्कारा को अच्छे से लगा लेना है। और अब मैं एक छोटे से ब्रश में से हाइलाइटर लेकर के अपने इनर आई कॉर्नर को हाइलाइट करूँगी, क्योंकि अगर हम ग्लैम मेकअप करें तो हमारा जो है इनर आई कॉर्नर हाइलाइट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे जो हमारे आँखों का जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, तो इस तरह से देखिए बहुत ही हल्का हल्का ब्लश लेकर के पहले अप्लाई करना है। और ये देखिए मैंने एक पिंक शेड का ब्लश अप्लाई किया और इसका जो रिज़ल्ट है वो कितना अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से ब्लश को अप्लाई कर लेना है। और अब मैं फाइनली लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं रेड कलर का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारा जो लिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लगे दिखने में, क्योंकि फेस्टिव सीज़न में लिप्स जो है वो रेड कलर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर डार्क रेड कलर का जो है लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं अपने चीक बोन को हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि बिना हाईलाइटर के तो मेकअप अधूरा सा ही लगता है। तो इसलिए देखिए हाईलाइटर लगाने के बाद जो है मेकअप एक अलग लेवल तक ही पहुँच जाता है। तो इसलिए मैं अपने हाईलाइटेड पॉइंट को अच्छे से वहाँ पे हाईलाइटर लगा रही हूँ ताकि मेरा जो मेकअप है वो अच्छी तरह से कम्प्लीट हो सके। और ये देखिए मैं अपने फोरहेड पर भी हाईलाइटर लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर हमें हाईलाइटर लगा लेना है। तो इस तरह से, और अब मैं अपने कॉलर बोन पे भी हाइलाइटर लगा रही हूँ ताकि हमें बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत सा लुक मिल सके। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर भी हाइलाइटर लगा लिया है। और अब मैं अपने ब्राउ बोन पे भी हाइलाइटर लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ पे हमारा जो हाइलाइटिंग एरिया है वहाँ वहाँ पर हमें अच्छे से हाइलाइटर को अप्लाई कर लेना है ताकि हमें बहुत ही ज़्यादा ग्लैम लुक मिल सके। तो ये देखिए मेरा मेकअप कम्प्लीट हो चुका है। और गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक, आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ईद पे इस मेकअप लुक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो से जुड़ी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको कोई और भी वीडियो देखने का मन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।